नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ में। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एनडीए ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और जिस तरीके से अगर आप कहेंगे इंडी गठबंधन की सीटें भी बढ़ी, इसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद कुछ उलटफेर हो जाए, शायद कुछ अगर आप कहेंगे कि चेंजेस देखने को मिले, शायद कोई पलटी मार जाए। अब इसी बीच सुरेंद्र पाल सिंह बॉलीवुड के अभिनेता हैं और उन्होंने चर्चित धारावाहिक महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार भी निभाया हुआ है और ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत को पाकिस्तान से उतना ज्यादा डर नहीं लगता है जितना देश के अंदर बैठे जय चंदों से लगता है, जितना भीतर जो है देश के भीतर बैठे दुश्मनों से लगता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कटाक्ष किया, तंज कसा उन लोगों पर जो देश का नमक तो खाते हैं लेकिन देश के खिलाफ कुछ भी कर गुजर जाने के लिए तैयार रहते हैं। बता दें आपको, हाल ही फिलहाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया तो उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था, हम कहते हैं कि भारत जो है वो जननी है, भारत का लोकतंत्र इतना मजबूत है लेकिन विपक्ष इतने निचले स्तर पर चली आती है कि वो बाहर जाकर कहती है देश के बारे में कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तानाशाह बैठ गया है, तो हम भारत को आगे की तरफ ले जाना चाहते हैं लेकिन मोदी को नीचे दिखाने के पीछे वो इतने अंधे हो जाते हैं कि देश के बाहर जाकर देश की बुराई करने से भी नहीं चूकते हैं। कुछ ऐसा ही इनका भी कहने का इशारा जो है देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ और कहा है उन्होंने, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि चर्चित धारावाहिक महाभारत में द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, अब हम लोगों को दिवाली मनानी चाहिए, जबकि भारत के अंदर बैठे जयचंद ही देश को डुबोने में लगे और देश के खिलाफ विपरीत माहौल बनाकर विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। बता दें सुरेंद्र पाल ने बहरोड के होटल हाईवे एक्सप्रेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि महाभारत के समय में भी देश को एकता में जोड़ने का काम किया गया लेकिन आज भारत में बैठे चंद लोग देश को बदनाम करने में लगे हैं। लेकिन अब भारत देश बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में जानी जाने लगी है। 2024 में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जलवा देश में नहीं विदेश में भी है, जिन्होंने भारत का डंका बजाया है। सुरेंद्र पाल ने कहा कि एक वो समय था जब गांव में एक दो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और महाभारत का सीरियल टीवी पर आते ही गाँव में सन्नाटा छा जाता था। लोग महाभारत देखने का इंतजार करते थे, महाभारत में इतिहास के बारे में दर्शाया गया है, उसको देखकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। लेकिन आज का समय कुछ अलग है, पश्चिमी सभ्यता का भारत में उदय हो चुका है और भारत की संस्कृति को असभ्य तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मैं निर्माताओं और निर्देशकों को कहना चाहता हूँ, वो भारत देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें, इस तरह की अश्लीलता देश में फैलाकर युवाओं का भविष्य खतरे में ना ला ले। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इनका जो बयान है इसका काफ़ी ज़्यादा असर देखने के लिए मिल रहा है और जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो सिचुएशन है वो ऐसी देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पर जो है स्थिति अगर आप देखेंगे कि भारत के खिलाफ भी बनाने का प्रयास किया गया, लोकतंत्र के खिलाफ भी बनाने का प्रयास किया और लोकतंत्र जो है लोकतंत्र खतरे में जो है डाला गया है, इसकी बात भी जो है कही गई। और कहीं ना कहीं भारत के बारे में विदेशों में जाके जिस तरीके से बातें कही गई कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट रोकने का प्रयास किया गया, ये कहा गया कि मोदी जो है देश के लिए सही नहीं है और किसी भी तरीके से जो सिचुएशन है वो मोदी के अंडर में ख़राब हो रहा है, तानाशाही जो है चल रही है और ये सारी चीज़ें जो है वो स्पष्ट तौर पर ये समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो गंभीर है, कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ऐसी नजर आ रही है कि मोदी जो है वो प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं लेकिन मोदी के खिलाफ माहौल बनाने के चक्कर में देश को जो है वो कहीं ना कहीं पीछे डुबोने का काम कर रहे हैं, देश को जो है पीछे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मोदी के खिलाफ माहौल तो बना रहे हैं लेकिन लोकतंत्र खतरे में है, इस चीज को भी जो है पूरी तरीके से इन्होंने प्रमोट किया। यहां तक कि आपको बता दें कि भारत के इंटरनल मैटर में एक्सटर्नल फोर्सेस को भी इन्होंने कहा कि तुम जो है यहां पर हस्तक्षेप करो, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को बचाओ, ये सारी चीजें जो है उनके द्वारा कही गई, ये सारी बातें जो है उनके द्वारा बताई गई है। तो कहीं ना कहीं भारत को पाकिस्तान से उन्होंने कहा कि इतना डर नहीं है जितना देश के अंदर बैठे जय चंदों से है, ये कहना है कि चर्चित जो है ये कह रही है चर्चित धारावाहिक महाभारत के द्रोणाचार्य का किरदार निभाने वाले सुरेंद्र पाल सिंह। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं,
अब हम लोगों को दिवाली मनानी चाहिए जबकि भारत के अंदर बैठे जयचंद ही देश को डुबाने में लगे हैं और देश के खिलाफ विपरीत माहौल बनाकर विदेश में भारत को बदनाम कर रहे हैं। बता दें कि सुरेंद्र पाल ने बहरोड़ के होटल हाईवे एक्सप्रेस वे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस दौरान ही उन्होंने जो है कहा कि महाभारत के समय भी देश में एकता से जोड़ने का काम किया, लेकिन आज भारत में बैठे चंद लोग देश को बदनाम करने में लगे हैं। लेकिन अब भारत देश बहुत आगे निकल चुका है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में जानी जाने लगी है। 2024 उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जलवा देश में नहीं विदेशों में भी है, जिन्होंने भारत का डंका बजाया। सुंदरपाल ने कहा कि एक वो समय था जब गांव में एक दो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी और महाभारत का सीरियल टीवी पर आते ही गांव में सन्नाटा छा जाता था। लोग महाभारत देखने का इंतजार करते थे। महाभारत में इतिहास के बारे में दर्शाया गया, उसको देखकर लोग भाव विभोर हो जाते थे। आज का समय कुछ और है। पश्चिमी सभ्यता का भारत में उदय हो चुका। भारत की संस्कृति को असभ्य तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही और उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीजों को जो है अलग तरीके से दिखाने का प्रयास ना करें। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से जो उनकी विदेश नीति है, कितनी बढ़िया विदेश नीति है उनकी और किस तरीके से भारत को एकजुट करके उन्होंने ले चलने का जो है काम किया है, किस तरीके से भारत को आगे बढ़ाने का जो काम है ये किया है। उसके बाद लोग जो है उन पर कॉमेंट भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति लिखते हैं कि ये बहुत सही बात है और वहाँ पर वो डायलॉग जो है एक शेयर करते हैं जिसमें लिखा हुआ है, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होते, घर के अंदर भी होते हैं। कुछ लोगों ने इसी तरीके से जो है रिएक्ट करते हुए कहा, सत्य कहा है। एक और व्यक्ति जो है वो लिखते हैं, सत्य कहा पाल जी ने और हमने देखा भी है कि आज अयोध्या में इतना भव्य प्रभु श्री राम मंदिर जो बना है असंभव के बराबर था और उसके बाद भी हमारे अपने ही लोगों ने हमारे सहयोग नहीं दिया, साबित करता है कि भारत के अंदर हमारे अपने होने का ढोंग करने वाले दुश्मन बहुत बैठे हुए हैं। एक और व्यक्ति ने जो है लिखा है कि मतलब सुरेंद्र पाल जी कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो है बढ़िया काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हैं जो इसे मानने को तैयार नहीं। एक और व्यक्ति इस तरीके से लिखते हैं, देश को तोड़ने वालों से सच में डरने की जरूरत है। वास्तव में अपने फायदे के लिए हिंदुओं को जातियों में बांटकर देश को कमजोर भी किया जा रहा है। इस तरीके से लगातार जो है लोग जो है कॉमेंट कर रहे हैं और उन्होंने ये भी लोग लिख रहे हैं कि बिल्कुल सही है, भारत के दुश्मन ही भारत को खोखला कर रहे हैं और ये भी अंदर से। तो कहीं ना कहीं जो इशारा है वो विपक्ष की तरफ था, जो इशारा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है इन पर बैकफायर जो है ना हो, इस वजह से उन्होंने बताया कि नाम नहीं लिया लेकिन ये बात उन्होंने कही है कि किस तरीके से बाहर जाकर किस तरीके से भारत को बदनाम करने के लिए पूरी होड़ मची हुई थी, चीज़ें कही जा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं और फिर से सबसे बड़ी बात यही है कि फिर से जो है देश को और मजबूत, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो बहुत बड़ी जो है बात है। और इसी के लिए जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि विपक्ष चाहे जो बोल ले, विपक्ष चाहे जो कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने ये कहा है कि भारत को पाकिस्तान से डर नहीं, देश के अंदर बैठे जयचंदों से डर है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बॉलीवुड के अभिनेता सुरेंद्र सिंह पाल सिंह जो है बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की तारीफ की है, साथ ही साथ ये कहा है कि भारत को पाकिस्तान से डर नहीं जितना भारत के अंदर बैठे दुश्मनों से है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हम कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।